चल यार चल सवार चल दुनिया नहीं है बबल। अरे मोमो आप ही जाओ, देर हो रही है, ट्रेन निकल जाएगी, कहाँ रह गई हो भाई? ओ माँ जी, बड़ी मुश्किल से ट्रेन की टिकटें ली हैं यार, जाया हो जाएंगी यार। आ जाए, मैंने पापा जी को सरप्राइज देना है, इस बार मैंने ईदी में आधी जायदाद दिखवा लेनी अपने नाम। शट अप नवीन, तकरीबन ओके जा रहा हूँ। अरे भी कहाँ रह गई थी तुम मोमो? वो ना मसूद, मैंने ना मूली के मजेदार परौंठे और अचार इसमें बांध दिया, रास्ते में खाएंगे ट्रेन में। ओ माँ जी, अगर सारे रास्ते हम पराठे खाते रहेंगे मूली वाले, तो बाकी मुसाफिरों की तो जिंदगी साफ हो जाएगी। तुम लोग ना खाना, मैं कल ही खा लूंगी ये सारे परौंठे। चलो नबील, टाइम हो गया है ट्रेन का। हाँ चले चले, मैं अपने प्यारे पापा जी से मिलने के लिए बेकरार हो रहा हूँ। वो जो तुम अपने प्यारे पापा जी से मिलने के लिए हो रहे हो, वो बेकरार हो। अच्छा जी, ये ले पकड़ नीला। खूबसूरत माँ जी। हाँ हाँ, बड़े खूबसूरत से परौंठे हैं इसमें। नबील मेरा सूटकेस तो लेकर आओ अंदर। यार पकड़े यार मेरा सूटकेस, भारी है बहुत। निराली, अरे उठो भाई, ईद के कपड़े निकाल दो, नवाज को देर हो जाएगी यार। अरे नवाज को देर हो जाएगी, ईद के कपड़े निकाल दो। अरे ओहो, काटा हुआ। अरे हाँ भाई, वो शीर खुरमा बना रही होगी किचन में, हम देख लेते हैं। निराली, अरे भाई हमारी बीवी बहुत ख्याल रखती है हमारा, खीर खुरमा भी बना लेना, ईद के कपड़े तो निकालो। अरे भाई, खीर खुरमा बना लेना, कुत्ता हमारा निकाल दो, कपड़े ईद के कहाँ गई? निराली बेगम, बाहर ना हो भाई। निराली बेगम, कमाल करती हैं आप यार। फोन भी बंद आ रहा यार। अरे निराली, क्या मुश्किल हो गई, कहाँ चली गई? अरे भैया, पापा जी क्यों नहीं आ रहे यार? मामू साहब, मुझे लगता है पापा जी रात नींद की गोलियां खा के सो रहे हैं यार। भैया तो फिर आप खूबसूरत ही उठा सकती है। ऐसा क्या, ऐसे तो अल्लाह मियां भी उठा सकते हैं। ना जी, और निराली बच्चों का भाई, तुम जानू, मैंने तुम्हें कहा था ना कि पापा जी हमें अचानक देखकर बहुत खुश होंगे। अरे भाई तुम सब कब आए? अरे भाई हम तो एक घंटा पहले के आए हुए हैं, आपके मुलाजिम ने दरवाजा खोल दिया, हम अंदर आ गए और हम आपका इंतजार कर रहे थे। आप जल्दी से ना तैयार हो जाए, नमाज का वक्त हुआ जाता है, हम सब ने भी तैयार होना है। हाँ, और मुझे भी तैयार होके ना आपसे ढेर सारी ईदी लेनी है, पूरे 5,000 के नोट देने आपने सुरैया को। है, ये कौन से 5,000 के नोट है? सुरैया कौन है? ले, आपको पता ही कोई नहीं, मैं और कौन? आप मुमताज है माँ जी, चले अब तैयार होने चलते हैं। पापा जी आप भी तैयार हो ना? हाँ हाँ तैयार होते, लेकिन निराली नहीं मिल रही सुबह से भाई। ना ठीक से देखे ना, आपकी जेब में ही कहीं पड़ी होगी। अरे कैसी बातें करती हो मोमो, वो कोई 150 की गड्डी है जो जेब में पड़ी होगी? अरे भाई इंसान है, इतनी बड़ी चीज है, लेकिन पापा जी यहीं कहीं गई होंगी। हाँ हाँ, हो सकता है शीर खोरने का सामान खुद लेने चली गई हो। चले पापा जी तैयार हो, ईद पड़ के ना मैंने आपसे तगड़ी ईद लेनी है। हाँ भाई चलो, चलो तैयार हो जाते हैं। जानू इसमें क्या भर दिया? नीला देख, मेरी अनारी कलर की लिपस्टिक अच्छी है। बिल्कुल ठीक है। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक पापा जी। इस ईद की खुशी में ना आपने मुझे सोने के वो देने ईदी में। वो क्या? वो जो हाथों में पहनते हैं ना, वो घड़ी? ना घड़ी नहीं, वो जो फिल्मों में हीरो हीरोइन को बड़े प्यार से पहनाते हैं ना, चूड़ियाँ। हाँ हाँ चूड़ियाँ। अरे मोमो, सिद्दीकी साहब तुम्हें चूड़ियाँ क्यों पहनाएंगे भाई? ना ना, वो तो सिर्फ देंगे, पहन तो मैं खुद ही लूंगी। पापा जी प्लीज ईदी देना, देना प्लीज। माँ जी प्लीज, पापा को परेशान ना करें, वो दे देंगे ईदी। अच्छा भाई, ये भाई मेरी बेटी की ईदी
ये लो मेरा बच्चा, लो मेरी बेटी। थैंक यू पापा। और ये तुम्हारी बच्चा। पापा जी, और हमारी दी। पापा जी, तुम दोनों नकम्मे मर्दों को मैं एक फूटी कड़ी लूंगा। पापा जी, वैसे मैं बहुत परेशान। पापा जी, पीछा छोड़ मेरा। पापा जी, जानू इतनी बेइज्जती, दामाद की इतनी बेइज्जती, अब मैं छत के नीचे एक मिनट नहीं रुकूंगा। इसका मतलब है तुम वापस जा रहे हो? नहीं जानू, मैंने कहा मैं इस छत के नीचे नहीं रुकूंगा। मैं छत के ऊपर जा रहा हूँ, मुझे सांस नहीं प्रॉपर आ रहा। मामा, ये दिया दिया दी कर लो ना मेरे साथ। आप कौन है भाई साहब ढोल बजाने वाली? पापा, व्हाट इज दिस? हम आपसे ईद मिलने आए हैं, आप यहाँ अलग अकेले बैठे हैं। बेटा क्या करूं, सुबह से निराली जो है उसका कुछ पता नहीं चल रहा, मैं बहुत परेशान। पापा जी, मेरा जाती ख्याल ये था कि क्योंकि घर में कुछ पका नहीं हुआ, क्यों ना आप हमें 5-स्टार में लंच ही करा दें। हाँ नीला, तू 4 किलो का मेकअप कर दे मुझे, तो मैं अपनी शादी वाले शरारा पहन के ना 5-स्टार जाऊंगी। अरे मोमो, ये तुम्हारी शादी नहीं हो रही भाई, ये कपड़े बिल्कुल ठीक है तुम्हारे। पापा जी, आप बुकिंग करवाए। तुम लोग का दिमाग ठीक है क्या? मेरी बीवी गुम हुई भी है और तुम लोग को खाने की पड़ी भी है। पापा जी, आप तो खुशकिस्मत है कि सासू माँ खो गई है। मैंने ताक रातों में दुआएं की हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शट अप नबील। ओके जानू, आज सुबह जब 5 बजे दूध वाला आया था तो वो घर पे ही थी। हाँ, तो फिर आप दूध वाले को फोन करके पता करें ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी रिजाली दूध वाले के साथ नहीं भाग सकती। क्यों नहीं भाग सकती? दूध वाला लंगड़ा है क्या? माँ जी प्लीज, पापा पहले ही बहुत परेशान है। बेटा मैं सोचूं मैं पुलिस पे इत्तला कर दूं, निराली किसी मुसीबत में ना हो। पापा मुझे लगता है हमें थोड़ी देर और इंतजार कर लेना चाहिए, शायद वो सुबह सुबह किसी रिश्तेदार से ईद मिलने चली गई हो। अच्छा चलो, तुम कहती हो तो मान लेता भाई बात तुम्हारी, बाद में पुलिस को फोन कर लेंगे। अभी चलो अंदर चले, मैं अंदर जा रहा हूँ। चलो, बहुत टेंशन है मुझे। चलो मैं आपकी ना पाँव दबा रहा हूँ। खुली फिजा में चलो। महमूद सब क्या हो गया, ये फिजा कम खुली है? अरे आओ ना, जरा एक बात कर। अरे चले चले, दो करते। नबील, अगर एक बात करूं तो बुरा तो नहीं मनाओगे? ओ यार महमूद साहब, खुदा का वास्ता यार ढंग की बात कीजिएगा, मेरा मूड पहले ही बड़ा ऑफ है यार। सोचा था इतनी दूर ईद करने आया हूं, पापा जी तगड़ी ईद देंगे यार, आना नहीं दिया यार। इससे बेहतर था कराची ईद कर लेता, हम सायों से तो ईदी ले लेता। नबील, अगर मैं तुम्हें 5 लाख ईदी दिलवा दूं तो खुश होगे तुम? क्या 5 लाख? महमूद साहब, मुझे ईदी देने के लिए आप अपना गुर्दा तो नहीं बेच देंगे? नहीं भाई, मेरे पास ना असल में एक प्लान। ओ, क्या करने लगे आप? आप कहीं पापा जी का मर्डर तो नहीं करने लगे? अगर आप पापा जी का मर्डर करने लगे हैं तो मैं 5 लाख से ज्यादा लूंगा। अरे मर्डर नहीं भाई, बस ऐसे ये छोटा सा मजाक करेंगे। हम मजाक करेंगे? हाँ। और वो मजाक के बदले में हमें 5 लाख देंगे? हाँ। ओ यार, ऐसा कौन सा मजाक है यार, हम क्या पापा जी के पेड़ पे गुदगुदियां करेंगे? तब भी 5 लाख तो नहीं देंगे वो। देखो मेरी बात सुनो, निराली ना सुबह से घर से गायब है, क्यों ना हम किडनैपर बनकर पापा जी को फोन लगाएं और 10 लाख रुपया मांग ले, 5 तुम्हारा 5 मेरा, कैसा? अच्छा, और अगर निराली वापस आ गई तो? अरे वापस आ जाए तो 100 बिस्मिल्ला, हम दूसरा फोन करेंगे ही नहीं। वाह, मानते हो ना फिर मुझे? मान तो मैं आपको बहुत पहले गया था कि आप जैसा घटिया और 2 नंबर इंसान मैंने देखा ही नहीं पूरी जिंदगी में। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं, मुझे मजाक कर रहा हूँ। ये बताए करना क्या? करना क्या है भाई, तुम यहाँ से ना किडनैपर बनकर फोन करो पापा जी को, हैं? और मैं अंदर जाके ना जरा माहौल बनाता हूँ। ओ भाई, कौन सा माहौल बनाने लगे हैं आप? बस तुम देखते जाओ। और सुनो, अपने फोन से फोन ना करना, दूसरी सिम से करना, समझे? ओ यार मैं मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे मोबाइल में 2 सिमें होती हैं, एक मैंने सिम जो है ना वो वारदात के लिए रखी होती है। आप बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं उस सिम से फोन करूंगा। बस तो भी ठीक है, कर ले लाओ। पापा प्लीज जूस पी लें, आपने सुबह से पानी तक नहीं पिया। ले मेरे टिफिन से 4 मूली के पराठे चोरी करके खा चुका तेरा पापा। हाँ लेकिन पानी तो नहीं पिया ना माँ जी। पापा पी ले प्लीज। ओ, लगता है निराली का फोन आ गया। देखा। हेलो निराली। सुन बे, तेरी बीवी को आज हमने शीरखोरमे का सामान खरीदते हुए अगवा कर लिया है। क्या क्या हुआ पापा? निराली किडनैप हो गई है, किडनैपर का फोन है। अरे स्पीकर ऑन करें, स्पीकर ऑन करें। सुन बे,
अगर तूने पुलिस को बताने की कोशिश की तो क्या कर लोगे तुम? अरे रे सिद्दीकी साहब, क्या कर रहे हैं भाई? अरे ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं, उंगलियां काट के भेज देंगे। सुंदर, ये जो साथ तेरे बैठा हुआ है ना, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। काटू तेरी बीवी की उंगलियां, भेजो तुझे। नहीं नहीं, उंगलियां नहीं, उंगलियां नहीं। आप तो ऐसा करना, ज़बान काट के भेज दे उसकी। बड़ी तेज तेज चलती थी, क्यों शाहदा? मैं खूबसूरत हूँ। हाँ तो फिर तुझे किडनैप क्यों नहीं किया? फरारी को क्यों किडनैप करके ले गए? खामोश, बंद करो ये गुफ्तगू, मेरे अगले फोन का इंतजार करो। अरे भाई, तुम कुछ भूल तो नहीं रहे? मेरा ख्याल है तुमने कुछ मांगना था। मैं तुझे क्या मांगने वाला लग रहा हूँ? फोन रख, रख। निराली, मेरी निराली। मेरा मेरा बीपी लो हो रहा। पापा प्लीज जूस पीजिए। सिद्दीकी साहब, आप परेशान नहीं हो? अरे मोमो और खूबसूरत दोनों आपके लिए ना बेहतरीन मजेदार सा खाना बना रही हैं। नहीं जी, ये खाना वाला मुझे मेरी निराली ला दो। हाँ हाँ, आप फिक्र नहीं करें, निराली आपके पास आ जाएगी। आपने ना एक काम करना है, अरे किडनैपर जितनी भी डिमांड कर रहे हैं ना, थोड़े बहुत उनको ज्यादा दे दीजिएगा, ताकि निराली जल्द से जल्द आपके पास आ जाए। मेरा एक दोस्त है पुलिस में, मैं सोचता हूँ कि खुफिया तौर पर उसको बताना दूँ। ना 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 ना, ऐसा मत कीजिएगा। ये ना हो कि निराली की उंगलियों की जगह पूरा हाथ ही काट के भेज दे। क्या? हाँ। अरे कभी तुम कर चले गए भाई? पापा जी, मैंने कहाँ जाना है पापा जी? मुझसे आपका ये गम देखा नहीं जा रहा पापा जी। मैंने गली गली पूरे मोहल्ले में हर दरवाजा कटकटाया, पूछा सासू माँ का, लेकिन सासू माँ कहीं नहीं थी। कोई फोन आया सासू माँ का? फोन आया था निराली का, नहीं किडनैपर का। क्या? सासू माँ किडनैप हो गई? आप टेंशन ना ले बाबा जी, 15 रोजों की नियत की है मैंने। सासू माँ अगर जिंदा सलामत आई, मैं 15 रोजे रिखवाऊंगा मेमू साहब से। हाँ चले चल के सासू माँ के लिए खसूसी वजीफा करें। वो जो हमने सासू माँ के लिए करना है वो खसूसी वजीफा है। हाँ जी। अच्छा जी। पापा जी प्लीज, आप प्लीज पापा जी ना करें, कंट्रोल करें। हम जा रहे हैं। वजीफा पापा, मुझे लगता है अब हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। ऐसी बातें कर रही हो तुम खूबसूरत? अरे पुलिस की मदद लेंगे तो वो निराली को कत्ल कर देंगे। और वैसे भी हकीम साहब कह चुके हुए हैं कि तुम्हारे पापा अब शादी करने के काबिल नहीं रहे। अरे अभी ऐसी भी कोई बात नहीं है। स्पीकर, मैं बात करता हूँ। हाँ भाई, बार बार फोन कर रहे हो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सुन बे, अब तो हम लाश बेचेंगे, लाश। ना हम लाश के पैसे क्यों देंगे? तू अपने पास रख ले लाश। ये तो डिसाइड ही नहीं हुआ था। अरे भाई, तुम सीधे सीधे पैसे मांगो ना। चुप है, मैं सिर्फ सिद्दीकी से डील करूंगा। अबे तू कौन है? निकल यहाँ से। मैं सुन रहा हूँ, बोलो बोलो। सुन बे सिद्दीकी, गौर से, अगर तू अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहता है तो 1 करोड़ का इंतजाम कर ले। 1 करोड़? अरे भाई, ये तुम कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे? नहीं नहीं, 1 करोड़ से 1 पैसा कम नहीं करूंगा, वरना इसकी बीवी की उंगलियां काट के इसे भिजवा दूंगा। तू तो उस बेचारी की उंगलियों के पीछे पड़ गया। काटना है तो उसके बाल काट दे, ईद का दिन है, जरा शोशा हो जाएगी उसकी भी। बाल नहीं, सीधा गला ना काट दूं उसका। हेलो हेलो हेलो, फिर फोन बंद कर दिया। अरे ये तुम फोन पे क्या कह रहे थे यार? अरे 1 करोड़ रुपया मांग लिया तुमने, हमारा 10 लाख रुपया डिसाइड हुआ था। 1 करोड़ तो मैंने ऐसे कह दिया था यार, कि वो काम नहीं कराएंगे। करोड़ से जो है वो डील करते करते जो है ना, मैंने 10 लाख भी डन कर देनी है। अरे भाई, तो जल्दी से डील डन करो, जगह बताओ और पैसे पकड़ो। अगर निराली आ गई ना, अरे तो सारा हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। यार मेमू साहब देखिए, मैं अगर हर बार गायब होऊंगा ना तो उनको शक हो जाएगा। वैसे भी खूबसूरत मुझे घूर घूर के देख रही है। मेमू साहब ये करते हैं कि मैं अंदर जाके माहौल बनाता हूँ, आप किडनैपर बनकर फोन करें और डील डन करें। हाँ ठीक है, फिर लाओ अपना फोन मुझे दो, मैं फोन करता हूँ, तुम जाओ अंदर। लाओ, हाँ छोड़ दो, बोर्ड बोर्ड तो नहीं लगाया ना इस पे? नहीं,
अरे माँ जी, पापा जी, मुझसे तो सासू माँ का गम बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे पता क्या खौफ है पापा जी, अब तक तो उन्होंने सासू माँ के छोटे छोटे टुकड़े करके ना बोरी में डाल दिए होंगे। भरी जवानी में चली गई रुदाली इस दुनिया से। रुदाली नहीं, निराली। मेरी निराली को कुछ नहीं होगा। निराली माँ जी, निराली। अरे मेरे प्यारे मासूम पापा जी, सासू माँ के साथ कितनी प्यारी लगती थी जोड़ी इनकी, और सासू माँ जब आंखें दिखाती थी तो मासूम सा पिल्ला बन के कॉर्नर में बैठ जाते थे मेरे पापा जी। पुत्र, तदफीन बड़ी बहू होनी चाहिए। अच्छा माँ जी, मिठा जरूर बनवाई ईद का दे। ओके माँ जी, ओके। चुप करे यार, आप लोग देख रहे हैं पापा की क्या हालत हो रही है। हेलो हेलो, देखो खुदा के वास्ते मेरी निराली को कुछ मत करना। तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, दे दूंगा। और तुम मुझे जानते नहीं हो, अगर मेरी सासू माँ को कुछ हुआ तो मैं लाशें बिछा दूंगा, लाशें। और मैं उंगलियां काट के भेजूंगा। और मैं तो कहती हूँ इस बार भेज ही दे उंगलियां सबूत के तौर पे। सीधी तरह पैसों का इंतजाम करो। ओ भाई कुछ तो कम कर, 1 करोड़ कहाँ से देंगे मेरे गरीब पापा जी। चलो तो 50 लाख दे दे। ईद के दिन 50 लाख कहाँ से लाऊंगा इस वक्त पर? भाई देख, ना तेरी ना मेरी, 10 लाख रुपए भेज दे, इसे एक टेडी पैसा कम नहीं करूंगा, वरना उसकी उंगलियां नहीं पूरी टांग काट के भेजूंगा। भाई क्या हो गया तुझे यार, कभी तू टांगे काट रहा है, कभी तू उंगलियां काट रही है, बकरी थोड़ा है। 10 लाख जो है ना, वो पापा जी तेरे मुंह में मारेंगे। हेलो हेलो, बंद हो गया फोन, बंद हो गया। मुझे नहीं लगता मेरी सुनवाली वापस नहीं आएगी जिंदा। मेरी नू माँ जी, ओए आपकी नो ये बैठी हुई है खूबसूरत। तो फिर कुडनैप कौन हुआ? निराली, पापा की बीवी। दूर फिटे मुंह, मैंने खामखा रो रो के ईद के दिन अपनी आंखें सुजा ली। वो क्या खबर है भाई, निराली का कुछ पता चला? अरे तुम कहाँ चले गए इतनी देर से? मैं बाथरूम में गया था, वो की टेंशन की खबर सुन के ना मेरा पेट अपसेट हो जाता है। ओ, लेकिन अब आप फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब मेरी टेंशन रिलीज हो गई है। बेटा खूबसूरत, मुझे बाहर ले जाओ, मुझे घबराहट हो रही है। जल्दी पापा को बाहर लेके जाओ, जल्दी जल्दी। यार नबील, यार ये बताओ कि पैसे मंगवाने कहाँ है? मैं मुसा घर के कोने पर जो दरख्त है ना, उसके नीचे मंगवा ले। अरे ये हमारा घर नहीं है नबील, हम लाहौर में है, पापा जी के घर। हाँ वो तो मैं भूल ही गया था, तो फिर कहाँ मंगवाए पैसे? नबील मैं तो सोच रहा हूँ कि बादशाही मस्जिद में मंगवा लेते हैं, मैंने नहीं देखी हुई ना। अच्छा, मीनारे पाकिस्तान पे ना मंगवा ले पैसे। हाँ ये भी अच्छा है यार, वो भी नहीं देखा हुआ मैंने ना। यार क्या हो गया महमूद साहब, यहाँ जगह जगह पुलिस के नाके होते हैं यार, पकड़े जाएंगे हम। फिर क्या करें यार नबील, मैं तो कहता हूँ एक काम करते हैं, भज्जे के पाए पे मंगवा लेते हैं, पाए खाते खाते पैसे भी वसूल कर लेंगे, कैसा? यार महमूद साहब, ये अपना नदीदापन ना अपने काबू में रखें, ये सामने गली है ना, उसके चौथे दरख्त पे मंगवा लेते हैं। चलो ये ठीक है, मैं उन्हें यहीं से फूड करता हूँ, तुम पापा जी के पास जाओ। जाओ। पापा प्लीज हौसला रखें, रिलैक्स करें। हाँ पापा जी हौसला रख लें, आप थोड़ा सा रख लें हौसला पापा जी। देखिए पापा जी, मैंने पूरे मोहल्ले से ना 1750 ईदी इकट्ठी की है। माँ जी आपने यहाँ भी लोगों के घर जा जा के ईदी मांग ली है, हम embarrassing। क्यों यहाँ तेरे पापे ने सुबह से रो रो के नहुसत डाली हुई है, तो मैं ईद भी ना मनाऊं अपनी। अरे माँ जी थोड़ा और इंतजार कर ले यार, बस सासू माँ आती होंगी। पापा जी फोन आया, स्पीकर बना ले स्पीकर पे। कान खोल के मेरी बात सुनो, अरे काले बैग में 10 लाख रुपया डाल के तुम्हारे घर के सामने वाली जो गली है ना, उसके चौथे दरख्त के नीचे रख दो। और सुनो, 5-5 हजार वाले नोट होने चाहिए, उन पे ईद मुबारक ना लिखाओ। पहले तुम मेरी निराली से बात करो, निराली से। बात नहीं करवा सकता, उंगलियां भेज सकता हूँ, भेजो। नहीं, 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 नहीं। एक बात और सुनो मोटे हाथी, अरे पैसे रखने के बाद पीछे मुड़ के मत देखना। क्यों? मैं पीछे मुड़ के देखूंगा पत्थर खो जाऊंगा।
गोली मार दूंगा मोटे। पापा जी आप फिक्र ना करें, पैसे लेके मैं जाऊंगा पापा जी, अगर गोली भी लगनी है तो मुझे लगे, आपको कुछ ना हो पापा जी। अरे मेरा शेर पुत्र, ओए देख फरखंदा तेरे मोटे पापे के लिए ना मेरा पुत्र जान देने को भी तैयार है। नहीं, पैसे मैं खुद लेके जाऊंगा, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है और तुम पे तो बिल्कुल भी नहीं। पापा जी ना कर रही है, ये आपके करने का काम नहीं है पापा जी। पापा जी जानू दुआ करो पापा जी जिंदा वापस आ जाए। शट अप नबील, कुछ नहीं होगा पापा को, कुछ नहीं होगा पापा को। प्लीज वो आती होगी, बैठ जाए प्लीज। ना हो सकता है कि वो उसे पहले ही मार चुके हो। ओ, ओ, निराली का मैसेज। माय डियर बबलू, तुम्हारे साथ जो मैंने दिन गुजारे वो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जो कुछ तुमने जायदाद मुझे दी थी वो मैं सब बेच के अपने भाई के साथ मुल्क छोड़ कर जा रही हूँ। बबलू ईद मुबारक। दिनाली मुझे छोड़ के चलेंगे। दिनाली हाँ तो फिर वो कुड़ने पर। पापा फौरन उठे जरा, आए मेरे साथ चले। चुप के चले। ओए ओए मसूद, बस का मोटा पापा मुझे छोड़ के चला गया। महमूद साहब ये चीज मेरे अजीज, ये ईद तो यादगार हो गई। अरे नबील आज तक इतनी ईदी किसी ने नहीं दी होगी तुम्हें। महमूद साहब आपके जहरीले मुंह पर मुझे प्यार आ रहा है, दूर हो जाए मैं कहीं पप्पी ना ले लूं आपकी। खबरदार शरिया इंसान, तुझे शर्म नहीं आई? तू ईद के दिन अपने सुसर को धोखा दे रहा है। अब बेटा पुलिस को फोन करो। मैं पुलिस को फोन कर चुकी हूँ पापा, आती होगी। चल यार चल, इस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, इस बार चल।